Zahoor Din Lone, a Kashmiri youth, is taking the art of snow sculpturing in India to the next level by showing his artwork at various national and international platforms. Lone represented India with his team at the 27th International Snow Sculpture Championship held in United States of America earlier this year. He and his team got a special dinner invitation from the mayor after he was impressed with their work of art in the competition. अमर सिंह कॉलेज ने एक कंपटीशन निकाला था एनवायरमेंट डे पे, उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मुझे अवार्ड फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया था वहाँ से। फिर मैंने वुमेन्स कॉलेज में भी एक प्रोग्राम उन्होंने भी किया था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से भी मुझे फर्स्ट प्राइज से अवार्ड मिला था। यूनिवर्सिटी ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, उस पर भी हमें अवार्ड्स मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम किया, उसमें भी अवार्ड्स मिले हैं। इस तरह के हमारे अंदर जो इंटरेस्ट था और ज़्यादा बढ़ता गया कि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता था, हमारे काम को अप्रिशिएट करता था, इस तरीके से हमारा करियर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हमारी चाहत जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है। फिर हम लोगों ने 2014 में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था कि हम एक स्नो के ऊपर एक काम करेंगे, एक स्नो के ऊपर हम स्कल्पचर्स बनाएंगे। लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की थी, हमें सपोर्ट नहीं मिला। फिर हम लोगों ने पर्सनली स्टार्ट करने की कोशिश की थी, फिर हम लोगों को कोई और एक दोस्त था तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कर लो, सपोर्ट मैं कर लूँगा। उस समय जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था वो मीडिया से हमें मिला था, क्योंकि मीडिया ने हर जगह पे वो खबर पहुँचाई है कि गुलमर्ग में एक प्रोग्राम होने वाला है। 2014 में जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था स्नो फीस्ट था, उसमें हम लोगों ने करीबन 15 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम लोगों ने करीबन 20-30 फीट के ब्लॉक्स, स्नो ब्लॉक्स बनाए थे। उन स्नो ब्लॉक्स पे हम लोगों ने काम किया, जिसमें हम लोगों ने कश्मीर की ट्रेडिशनल को दिखाया, कश्मीर के कल्चर को दिखाया हम लोगों ने। Lone has won many awards all across the country and now he seeks support to spread his work and show the people the diversity in this underrated form of art.